आरबी एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में आ चुका है। नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं, सब बता दिए। जो ग्रेजुएट लेवल वाला नोटिफिकेशन आया है बाबू, उसमें 5 पोस्ट है आप सभी का। एक तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, ये 5 पोस्ट है, ये नया पोस्ट है। भैया इस 5 पोस्ट में सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है? भैया इस 5 पोस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? स्टेशन मास्टर से भी ज्यादा सैलरी किसी को मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है भाई। आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ना ये सब चीज आपके दिमाग में बाबू होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जरूरी है। सबसे पहले कौन सा देना है, सबसे बाद में कौन सा देना है, मेरा एक कर्तव्य बनता है आपको बताना कि किसका क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, किसमें क्या काम होगा रेलवे में, डिपार्टमेंट में, वो सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा A to Z। किसको सैलरी सबसे अधिक मिलेगा सब बताएंगे आप सभी को। जितने लोग भी 19 में पढ़कर सिलेक्शन लिए हैं, जितने लोग भी, उन सबसे बात करने के बाद एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के बीच में डाल रहा हूं मैं। आपने देखा भी होगा, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जो बच्चा बैंगलोर डिवीजन में स्टेशन मास्टर है पढ़कर, उस बच्चे से मैंने बात किया। वो बच्चा हालांकि इस बार एग्जाम फिर देगा, क्योंकि उसे जोन चेंज करना है, ठीक है। वो कलकत्ता में बोला भैया जब भरेंगे, वो वीडियो पड़ा हुआ है अपलोड, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा A to Z, ठीक है। अच्छे से सुनना, फॉर्म फिलअप करने से पहले ध्यान से देखना बाबू, उसके बाद फॉर्म फिलअप करते वक्त दिमाग में ये बात जरूर रखना। उसके पहले बोलूंगा, लोग भी सक्सेस की 98 एप्लीकेशन अपने फोन में किए हैं, बहुत लोग एडमिशन लिए, सबसे पहले सुनना, जो रुद्रा बैच लॉन्च किए हैं RPF ग्रुप डी और NTPC के लिए, ये तीनों एग्जाम का सिलेबस 98-99% बाबू सेम है, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था कि कोई बच्चा एडमिशन ले, ये नहीं कि ग्रुप डी के लिए अलग से खरीदना पड़े। तो जो दाम था ना बाबू, 2-3 दिन के बाद बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में भी बात आ सकता है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद दाम बढ़ा दिए भैया, ये हो गया, सब बता दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। सबसे पहला बात देखो, आपको मैंने जो कोर्स दिया है इसके पीछे बहुत मेहनत की है, मार्केट में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, और मैं तो आपको डंके की चोट पर बोला हूं, जितने लोग भी एडमिशन लिए हैं, सबसे पहला बात, सबसे फर्स्ट बात, जो मैंने कोर्स दिया है आपको, मैंने सपोर्ट दिया है टेलीग्राम का, प्राइवेट ग्रुप का, बहुत बच्चे एडमिशन लिए हैं। मैंने बोला है ना कि बाबू एग्जाम तक आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे, और कोई भी चैप्टर, मैंने ये भी बोला है, पिछले 4-5 साल का रेलवे में जितना एग्जाम हुआ है, मैंने हर शिफ्ट का पेपर खोलकर देखा है, उसके बाद हर चैप्टर को मैंने तैयार किया है बहुत शिद्दत से, उसके बाद मैं हर वीडियो में या कुछ वीडियो में ये बात बोलता हूं आप सभी को। मान लो मैथ का कोई चैप्टर आप हमसे पढ़ रहे हैं, पढ़े वहां जाकर, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये हो नहीं सकता। अगर मान लो नहीं बना एक क्वेश्चन उस चैप्टर का पढ़ने के बाद, क्लियर करने के बाद, आप मुझे प्राइवेट ग्रुप में दे सकते हैं वहां पर, भैया क्वेश्चन आपसे पढ़े, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, भैया आपसे 5 क्वेश्चन बने, पांचों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये हो नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता। जितने लोग ग्रुप में है बाबू, कोई नहीं बोला आज तक, मैंने बहुत सिद्ध से पेपर बनाया है। आप ये बोल सकते हो कि भैया हर चैप्टर का वीडियो 2-2.5 घंटा का है, यूट्यूब पर तो 7-8 घंटा में एक चैप्टर पूरा पढ़ाया जाता है, तो मैं बराबर बोलता हूं डंके की चोट में, बाबू छोड़ दो यूट्यूब में क्या हो रहा है, यूट्यूब में क्या मिला लगा छोड़ दीजिए, तो चैप्टर पढ़ाए हैं मैथ का, रीजनिंग का, जो भी चैप्टर, आप वो देखो, अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, बेसिक से बनाए हैं, पढ़ाए हैं, क्लियर करो, उसके बाद आप मुझे परखने के लिए, जांचने के लिए, ये शिक्षक अच्छा पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, आपके पास कोई भी किताब हो, मैं नहीं बताऊंगा इस किताब से पढ़ो, आपके पास कोई भी किताब हो, उस किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, लगेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा, लग रहा है भैया। तो बाबू इतना मेहनत की इस कोर्स के पीछे। दूसरी बात यह है, आप सभी जितने लोग भी टेक्निकल से कुछ फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, उनसे बात करना, ये नहीं कि भैया बहुत कमा ले रहे हैं, आप पता करना, एक कोर्स को बनाने में स्टोरेज खर्चा, सर्वर खर्चा, डोमेन खर्चा, इन सब से काटने के बाद ना भैया, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, एक आम लमसम बता रहा हूं, 29-33 रुपए के बीच में कमाई होता है एक बच्चा अगर लेता है तो, एक बच्चा अगर ले रहा है तो, पता कर लेना आप सभी, ठीक है। और जित बहुत लोग दे रहे हैं बाबू, इस विश्वास के साथ बोल रहा हूं मैं, आप देख लो वीडियो, बहुत चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत लोग दे रहे हैं,
लेकिन मेरा कोई भी कंटेंट रीजनिंग का मैथ का मिलाना जरूर, ए टू जेड तक कौन पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप ये जरूर मिलाना, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज है मैं आपको सब बताऊंगा वीडियो के एंड में, ताकि आपको ये ना लगे कोई हमको ठग लिया, कोई हमको धोखा दे दिया, ठीक है। एक साल का वैलिडिटी है और जो भी कंटेंट है सब हिंदी और इंग्लिश सब में मिलेगा। पोस्ट के ऊपर देखो, सबसे जो बेहतरीन पोस्ट है बाबू, सबसे बेहतरीन पोस्ट इस बार जो पांच पोस्ट है एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें सबसे बेहतरीन पोस्ट ये बोलूंगा मैं, मेरा काम है बताना, उसके बाद फैसला करना तो आपका है, फॉर्म तो आप ही भरेंगे, आप अपने हिसाब से सोचना। किसी का ड्रीम होता है मुझे स्टेशन मास्टर ही बनना है, अब उसका सपना है तो सपने को तोड़ नहीं सकता ना, लेकिन मेरा फर्ज है बताना। देखो इसका काम क्या होता है, ये लेवल 6 के अंदर है इस बार पोस्ट। देखो जितने भी क्लर्क है ना बाबू रेलवे में, जितने भी क्लर्क है, मान लो एक क्लर्क है, ये क्लर्क कोई डिपार्टमेंट देख रहा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है रेलवे में, तो एक डिपार्टमेंट होता नहीं है, बहुत सारा डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, एएलपी का डिपार्टमेंट, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में जितने भी क्लर्क होते हैं, उन सब क्लर्क को, जितने भी क्लर्क हैं, वो सब क्लर्क किसके अंदर आएगा, तो इस पोस्ट के अंदर आएगा। यानी इन सब क्लर्क को कंट्रोल कौन करेगा, तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। मतलब क्या होता है, हम लोग सुनते हैं गांव देहात में सुपरवाइजर बानी, सूरत में सुपरवाइजर बानी, हम माने काम करवाता है, तो ये पोस्ट है क्लर्क का, ठीक है। सैलरी भी बहुत अच्छा है, इसमें लोड नहीं है, लाइफ का कोई रिस्क नहीं है इस पोस्ट में, सैलरी भी अच्छा है, उसके बाद बहुत कुछ बोल सकते हैं इस पोस्ट को लेकर, सेटिंग भी कर सकते हैं, ऊपरी इनकम बहुत कुछ है इस पोस्ट में। तो मेरे हिसाब से इस पांच पोस्ट में सबसे अच्छा पोस्ट ये है, लेकिन सबसे अधिक सैलरी इसका नहीं है। दूसरा बात, तो दूसरा पोस्ट है बाबू, वो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये भी लेवल 5 के अंदर है। जितने भी आप देखते होंगे जब टिकट कटाने जाते हैं, बुकिंग क्लर्क, आप नाम सुने बुकिंग क्लर्क, जो टिकट बुक करता है, टीटी, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा, आप देखना वो सब कुछ इसके अंदर आएगा, कौन, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसमें ज्यादा बताने जरूरत नहीं है, ये भी पोस्ट बहुत अच्छा है, अच्छा पोस्ट है, सैलरी कम है स्टार्टिंग में, लेकिन पोस्ट अच्छा है, इससे कम सैलरी है, इसका सैलरी ज्यादा है क्योंकि लेवल 6 का पोस्ट है। अगर थर्ड पोस्ट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। जूनियर अकाउंटेंट ये क्या है भैया, आप देखो आपने सुना होगा डीआरएम बिल्डिंग हावड़ा में, आसनसोल में डीआरएम बिल्डिंग, अलग अलग हेडक्वार्टर रेलवे में, सुने ना, तो जितने भी हेडक्वार्टर है बाबू ना, वहां पर ये जो है वो क्लर्क होगा, जितने भी हेडक्वार्टर में काम होता है, जितना भी वहां जितने भी क्लर्क, अब मान लो यही डायरेक्ट काम नहीं करेगा, डायरेक्ट जो है वही यही क्लर्क काम नहीं करेगा, वहां पर तो 10-12 क्लर्क होते हैं एक ऑफिस में, उन सब क्लर्क को कंट्रोल भी कर सकता है, इसका जॉब यही है, देखभाल भी कर सकता है, मेन फाइनल हिसाब किताब भी यही देख सकते हैं। तो एक तो पोस्ट ये वाला है, ये पोस्ट बाबू आपका 12th बेसिस पर भी है, वो लोग काम क्या करेंगे, वो हेडक्वार्टर में क्लर्क होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट का, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये मेन जो ये काम कर, मान लो ये काम कर लिया सारा क्लर्क, उन क्लर्क का सबका हिसाब किताब ये फाइनल ये मिला है, तो ये पोस्ट भी अच्छा है, आराम वाला पोस्ट है बाबू, ठीक है। सैलरी भी इसका अच्छा है, 40 से ऊपर ही सैलरी आपको मिलेगा, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। उसके बाद कब कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर, ड्रीम जॉब बोलते हैं इसको, सपने वाला जॉब बोलते हैं रेलवे के फील्ड में, ठीक है। स्टेशन मास्टर का बाबू जॉब तो आपको पता ही है, पूरा स्टेशन कंट्रोल करना, स्टेशन का मालिक, बड़ा हो चाहे छोटा स्टेशन मास्टर है, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर आता है, तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन का मालिक, सिंपल सा बात है। लेकिन इनके जॉब में क्या है ना, रिस्क है, इनको नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा, कभी भी आप बुला सकते हो, एक हरासमेंट वाला जॉब है, लेकिन बाबू रॉयल जॉब है ये जॉब भी, खराब कोई खराब जॉब नहीं है रेलवे में, रेलवे अपने आप में बाबू, रेलवे का जॉब पाना ही बहुत बड़ा बात है। तो स्टेशन मास्टर सैलरी जितना भी अभी पोस्ट दिखाएं, उन सबसे अधिक सैलरी इसका होता है स्टेशन मास्टर का। तो इस पोस्ट के बारे में बहुत बताना किसी को जरूरी नहीं है, स्टेशन का मालिक। लेकिन इससे भी ज्यादा पोस्ट, एक पोस्ट आपने देखा गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसी को बोलते हैं गुड्स गार्ड। आप ट्रेन देखे हैं ना, ट्रेन के डब्बा के पीछे, ट्रेन के डब्बा के अंत में झंडा हिलाएगा, एकदम केबिन में देखिए ना,
वही होता है गुड्स गार्ड, जिसको रनिंग स्टाफ बोलते हैं, दौड़ता है, दौड़ता नहीं है मतलब ट्रेन में, इनका शरीर का हालत खराब जाता है, मतलब इनका जिंदगी जो है ना बाबू वो बस ड्यूटी करने में निकल जाता है। इनको बहुत सारा अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, अभी तो बहुत जगह बंद हो गया है, ओवर टाइम मिलता है, लेकिन जितना भी पोस्ट दिखाए सबसे अधिक सैलरी बोल सकते हो 80,000, 90,000, 1,00,000 तक, बता रहा हूं मैं आप सभी को सच्चाई, सबसे अधिक अगर सैलरी किसी की है तो गुड्स गार्ड की है, ठीक है। लेकिन सबसे कठिन जॉब, सबसे मुश्किल जॉब, जिंदगी में आराम नहीं है, फैमिली वालों को सुख नहीं है, तो वो जॉब भी यही है। लेकिन बहुत लोगों को मायने रखता है पैसा, पैसा है तो सब है बोलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा सैलरी वाला जो पोस्ट है बाबू वो आपका ये वाला है। तो जो पांचों पोस्ट है उस पांचों पोस्ट के बारे में बताया किसका क्या काम है, लेकिन मुझे लगा आरामदायक जिंदगी सैलरी को मिलाकर सबसे अच्छा पोस्ट जो है वो क्लर्क वाला पोस्ट है, ये वाला सुपरवाइजर वाला जो इस बार नया पोस्ट बना है। तो बहुत सारे जितने भी क्लर्क है उनका हेड होगा, उनका सुपरवाइजर होगा, काम कैसे करना है, क्या काम हुआ सब मुझे रिपोर्ट करो, ये मेन है। अगर आप ये बन गए बाबू तो सोच लो कितने सारे रेलवे स्टाफ आपके अंदर होंगे, कितने से आपका सेटिंग होगा, सब कुछ नहीं बताएंगे, बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो पांचों पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपको ये सब नौकरी कैसे मिलेगा, तो मैं बराबर बोलता हूं मैथ रीजनिंग जीके पढ़कर मिलेगा। जीएस बाबू 100 नंबर का पेपर है, 2 से 3 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 3 से अधिक नहीं आता, मैंने पेपर देखा है, जीएस क्वेश्चन बनेगा। बाद में भी पढ़ोगे तो बहुत काफी है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो 3 में 1 क्वेश्चन मार दोगे। जीएस में बहुत जान मत लगाइए बाबू, ठीक है, पहले बोल चुका हूं। यही 3 सब्जेक्ट पर आप अपना जोर दीजिए, खास करके जोर देना बाबू आप रीजनिंग पर, क्योंकि पहले के एग्जाम में 16 में रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं आता था, लेकिन अब रीजनिंग का लेवल बढ़ गया है। मैथ तो जैसा था वैसा ही है, जो पहले आ रहा था आज भी वही आ रहा, घिसा पिटा, रीजनिंग बाबू बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो रीजनिंग पर फोकस करना है, ठीक है। रुद्रा बैच में मैंने जो आपको दिया है उसमें बाबू हर चीज का ध्यान दिए ताकि आपका सिलेक्शन ना रोके। रीजनिंग में बच्चे एग्जाम से निकलकर CBT 2, CBT 1 में रो रहे थे, स्टेटमेंट वाले ये सब टॉपिक के फंस गए भैया नहीं बना, मैंने ये सब टॉपिक का बेसिक समझाते हुए आपको हर टॉपिक का वीडियो दिया रीजनिंग का, बाकी तो दिया ही है जो भीड़ करवा रहा है, जो भीड़ पड़ रहा है, लेकिन भीड़ से अलग चलने के लिए, अलग रास्ता बनाने के लिए वो टॉपिक भी दिए हैं जो आपका सिलेक्शन और मजबूत कर सके, ये सब टॉपिक वीडियो दिए हैं। इसके बाद वीडियो सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग से PDF भी दिए वहीं पर हिंदी इंग्लिश में, वहां से प्रैक्टिस कर लो, देखोगे आस्ता आस्ता क्वेश्चन भैया समझ में आने लगा, बनने लगा क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर मारेंगे बहुत तेजी से बन रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग में बाकी टॉपिक के साथ ये टॉपिक भी दिए। मैथ में बाबू आपको अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टॉपिक दे चुके हैं A to Z, ठीक है, जिसको पढ़ोगे आपका दिल आ जाएगा। के अलावा ये टॉपिक दे दिए, नंबर सिस्टम कुछ लोग बोले भैया डाल दो दिन से, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब अलग अलग पार्ट नहीं देंगे, एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, कोशिश करेंगे आज रात को 2 से 3 बजे के अंदर, मेहनत बहुत कर रहे हैं, पागलपन की हद तक मेहनत कर रहे हैं बाबू, तबियत मेरा खराब है, रात को ही आज ये नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो अपलोड कर दें ताकि ये वीडियो आप तक मिल जाए, ये अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाकी जो टॉपिक है वो भी आपको मिल जाएगा अभी तक। इसके अलावा जीके हैं बाबू, आपको दुनिया भर का वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि जितना वीडियो देखोगे, जितना नोट्स बनाओगे, उतना में तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, और मैंने ये बात 19 में बोला, सबको फॉलो किए, हुआ रिजल्ट, इस बार ही बोल रहा हूं। जीके के लिए बाबू जितना क्वेश्चन पढ़ सकते हो सही तरीके से, सही चीज वो पढ़ो आप सभी। अगर वीडियो 1 घंटा का देखोगे, लास्ट में देखोगे 10 ही क्वेश्चन हम पढ़े 1 घंटा में, लेकिन आप क्वेश्चन सही तरीके सही चीज पढ़ोगे तो देखोगे 1 घंटा में भैया हम 100 क्वेश्चन कर लिए। आप देखोगे 1000 क्वेश्चन करने में पूरा जमाना निकल गया, लेकिन 1000 क्वेश्चन करने भैया 10 दिन भी नहीं लगा। तो आपको फैसला करना कितना स्मार्टली आपको पढ़ना है बाबू। तो जीके के लिए बाबू हम आप सभी को 36 बेहतरीन क्वेश्चन दिए, बेस्ट क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ना। इसके अलावा
50 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए स्टैटिक जीके का, जहां से ये आज भी मैं बोल रहा हूं 50-55% क्वेश्चन बस यहीं से बनता है। वो टॉपिक कौन कौन सा है? वो टॉपिक ये सब है, देख लो, पंचायती राज, इंपॉर्टेंट डांस, 5-year plan, सेंसस, इंटरनेशनल कांग्रेस, मुख्यमंत्री, ये सब टॉपिक को बाबू कहीं से कॉपी नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को खोलोगे ना, आप लूसेंट स्पीड से मिलाना, आप बोलेंगे भैया आपका पीडीएफ बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन तो बहुत सारा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी है भैया जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, आप देखना। इसके अलावा करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है, साइंस के इतने नोट्स दिए हैं जो कि सफिशियंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा बाबू साइंस बाद ही में पढ़ना आप सभी, ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा रुद्रा बैच में, मैथ रीजनिंग का वीडियो, जीके साइंस का सारा नोट्स, ये सब कुछ 399 में, ये 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, एग्जाम निकाल कर मैं पढ़ा रहा हूँ तो घर चलाने के लिए, ठीक है। आप समझना, आप समझदार हो, मार्केट में देख लो कौन क्या दे रहा है, कंटेंट भी तो मिलाएंगे ना, किसा कंटेंट में जान है, देने की भीड़ जहां भाग रहा है बस सही है, वरना रिजल्ट नहीं पता चलता है क्या गलती की है, क्या गलती था मेरा। तो रिजल्ट के पहले आपको सोचना है हमको करना क्या है। अपने फोन में सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे आपको यहां पर क्या दिखेगा, तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स, यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला आपको ये लेना है, जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है, जितने लोग भी लोग हैं बाबू पहले ये खोलकर आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूँ, चार पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके देखो, यहाँ पर है स्टैटिक जीके का, जितने भी टॉपिक है बाबू स्टैटिक जीके का, सर टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, देखो ठीक है। उसके बाद से 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी डाल दिए हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इस मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है, एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, ठीक।